ये देखो कितनी बुरी तरीके से ये ना रिम मुड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे तरीके से टकराया हो कहीं पे। एक इधर को गया हुआ है, एक इधर को गया हुआ है, बीच से ये थोड़ा सा लाइनिंग भी आ गया है। चटक गया। चलो देखते हैं इसको कितना सही हो पाता है। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज चौधरी, आप देख रहे हैं डी ट्रेजर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। और आज की वीडियो जो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 की सर्विस से रिलेटेड है। एंड अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल देखा है, 28,000 किलोमीटर चलाने के बाद कौन कौन सी दिक्कतें आई हैं मेरे गाड़ी में। एंड एक एलॉय व्हील जो हम चेंज करवाते हैं, रॉयल एनफील्ड बाइक जेन्युइन स्पॉक्ड व्हील आता है, उसको चेंज करा के हम लगवाते हैं एलॉय व्हील। उसको लगवाने में क्या क्या दिक्कतें आती है और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि कभी भी आप किसी लोकल कंपनी का एलॉय व्हील नहीं लगवाएं, क्योंकि वो एक जानलेवा डिसीजन हो सकता है आपका। क्योंकि जो लोकल एलॉय होता है वो पता नहीं किस मटेरियल से बनाते हैं, बट एक ब्रांड जैसे आपको पेरेडो हो गया और बहुत सारी ब्रांड्स हैं एलॉय व्हील्स के, उनका एलॉय व्हील लगवाए। थोड़ा सा महंगा जरूर होगा बट रिलायबल होगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड मेरे साथ जो दिक्कत हुआ यहाँ पे, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे बाइक का टंकी है उसमें लीकेज है। दूसरी बात, EFI सिस्टम में प्रॉब्लम आया, फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो गया था इसका। इसके बाद शॉकर में मतलब रेगुलर प्रॉब्लम्स ही आते जा रहे थे, तो अभी फ़िलहाल मैं उसका भी सॉल्यूशन निकालूंगा, उसको भी सही करवाऊंगा। एंड देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। सामान जो मैं लेके आया हूँ वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया, एंड देखते हैं आगे कि और क्या क्या काम होना बाकी और कितना खर्चा आता है टोटल। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ सर्विस सेंटर और यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, पार्ट्स लेके निकलना है। आज भीड़ नहीं है थोड़ी सी भी। फिलहाल यहाँ से सारा पार्ट्स ले लिया जो भी लेना था। यार बड़े कंजूस होते हैं ये। कंजूस क्या मतलब, 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देते हैं एंड ऊपर से GST और लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, हम भी क्या कर सकते हैं, इनकी भी मजबूरी होगी। तो चलते हैं अब सीधा सीधा मैकेनिक भैया के पास, क्योंकि अब यार सामान ले लिया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि काम कल पे छोड़ूं, क्योंकि आज ही कराना है काम, तो आज ही कराएंगे। सो लेट्स गो। तो ये है डीजल इंजन वाली बुलेट। एक ब्रेक स्विच, ये फुटरेस्ट, ये कॉनसेट, ये हो गया इंजन ऑयल, एंड ये फिल्टर, एंड और क्या है, ये दो हो गए। तो इतना सारा सामान लगना है अभी। फिलहाल इसके सॉकर में कुछ दिक्कत है, तो अभी फिलहाल सॉकर खुलेगी, एंड सॉकर खुलने के बाद इसमें सॉकर ऑयल डलेगा। एंड आपको दिखा दूँ यहाँ पे एलॉय व्हील भी इसका बेंड है, पता नहीं कैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है एलॉय व्हील में। मैं आपको बताऊंगा अगर आप ब्रांड का एलॉय व्हील लेते हैं उसमें क्या बेनिफिट आपको मिलता है, लोकल जो होता है उसमें क्या दिक्कतें आती है। फिलहाल तो सॉकर खुल रहा है, इसके बाद चेंज करेंगे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी आवाज़ का, वो मैं अभी आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि सॉकर ऑयल आप जब भी चेंज कराओगे ना, तो ये जेन्युइन ही डालना, या कैस्ट्रोल का ये इसका वो सही है, बट लोकल अगर लगाओगे ना अपने बुलेट में तो नहीं चलने वाली है और आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगा। शायद उसके कारण हो सकता है आपका हैंडल का कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाए, आपको लंबा खर्चा उठाना पड़ जाए। तो कभी भी अगर आप चेंज कराओ सॉकर ऑयल, तो हमेशा एक ब्रांड का लेना, ट्रस्टेड ब्रांड का, मे बी लाइक मोटोल का ले लो, कैस्ट्रोल का ले लो, या रॉयल एनफील्ड का लिक्विड गन आता है उसका ले लो, कोई सा भी, लेकिन लोकल मत लेना कभी भी। एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी इसमें, एक बार आपको दिखाऊँ यहाँ पे,
ये जो आप देख रहे हो यहाँ से पेट्रोल पूरा लीक करता था जब भी मैं टैंक फुल कराता था यहाँ से लीक करके नीचे। तो अभी इसका क्या जुगाड़ लगाना है, एमसील लगाऊंगा चारों तरफ से इसके, कुछ देर छोड़ूंगा इसको सूखने के लिए, फिर देखते हैं काम करता है या नहीं। फिलहाल सॉकर का काम हो चुका है एंड खुला हुआ है सॉकर, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी बफिंग करा ली जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो धूल मिट्टी एंड बारिश, जब भी आप बारिश में निकलते हैं और लंबे समय तक अगर इसकी साफ़ सफाई नहीं होती है तो इस पर काले काले ये डस्ट पता नहीं क्या क्या जम जाता है। तो फिलहाल इसका हम बफिंग भी भैया से बोले ये करके देंगे अभी, एंड निखिल बोलते हैं बफिंग बोलते हैं क्या, एक बार कराते हैं इसको। अभी फिलहाल आप देख लो किस तरीके से नज़र आ रहा है, एंड इंजन भी जो है इसका वो भी देख सकते हो, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये भी काला काला सा हो रहा है इधर भी, एंड ये भी। तो ये होता कैसे है कि जब भी बाइक गर्म होती है और पानी पड़ता है उसके बाद आप उसको तुरंत साफ़ नहीं करते हो, तो इससे वो ना धब्बा धब्बा सा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इसको कराते हैं, फिर प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बफिंग होता है एंड क्या कॉस्टिंग आता है, इसका सारा कुछ बताऊंगा। भैया का नंबर भी शेयर कर लूँगा, दुकान का एड्रेस भी दे दूँगा, कॉन्टैक्ट करके आप पूछ भी सकते हैं और यहाँ के बफिंग करा भी सकते हैं। अभी जेसीबी की खुदाई, सॉरी इसके घिसाई बंद हो गई, तो जेसीबी की खुदाई तो बहुत चल गया, अभी घिसाई हो गया है ख़त्म, अब इस पर निकल होगा फिर आपको शाइनिंग दिखाएंगे। फिलहाल कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है अभी। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ये बस सैंपल है, कंप्लीट बफिंग नहीं है। भैया ने कहा चलो मैं एक बार सैंपल दिखाता हूँ, तो अगर आप देखो यहाँ पर तो सैंपल में इतनी है चमक, तो जब फाइनल बफिंग होगा एक एक पार्ट खोल के, इसमें अभी दो तीन प्रोसेस और है जो हुआ नहीं है, ये बस सैंपल है, तो सोच सकते हो आपकी कितनी शाइनिंग आएगी। फिलहाल आप देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये, अभी देखो। और पुराना वीडियो भी आपने देखा, इससे पहले भी आपने देखा था कि जो शाइनिंग थी कैसे काला काला नज़र आ रहा था पूरा, बट अभी आप देखो एकदम चमक के आ रहा है। ये चमक इस तरीके से होगा जैसे स्टील दिख रहा है ना यहाँ पे, वैसे चमक के आएगी अगर फाइनल बफिंग होगा तब। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि लोकल एलॉय व्हील ये देखो यहाँ से बेंड हुआ पड़ा है, ये कब हुआ कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता है, दोनों तरफ से ऐसे बेंड हुआ पड़ा है, बाकी सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। है ये भी पैराडो ही, बट एलॉय व्हील में ये है दिक्कत, यहाँ से बेंड हो रहा है, दोनों तरफ से बेंड हो रहा है, ये इस तरफ से भी देखो इस तरफ से भी बेंड हुआ पड़ा है। अभी इसको सीधा करवाते हैं, हालांकि मैंने दो तीन जगह पता किया कि भाई साहब एलॉय व्हील बेंड हुआ पड़ा है इसको सही कर दो, बट सबने यही कहा कि भाई साहब एलॉय व्हील जो है सही होगा नहीं, ये आपको चेंज ही कराना पड़ेगा। बट मैं जब यहाँ पे आया तो भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं कर दूंगा, सीधा हो जाएगा, बिल्कुल जैसा नया था वैसा हो जाएगा। ये देखो कितनी बुरी तरीके से ये ना रिम मुड़ा हुआ है, ऐसे देखो इसको, ऐसे दिखाओ यहाँ पे है ना, ये देखो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे तरीके से टकराया हो कहीं पे, एक इधर को गया हुआ है एक इधर को गया हुआ है, बीच से ये थोड़ा सा लाइनिंग भी आ गया है, चटक गया। चलो देखते हैं इसको कितना सही हो पाता है। तो ये आ चुका है अभी रिपेयर हो करके, मतलब इसकी खुदाई बुनाई सब हो गई, अब ये बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट हो गया बिल्कुल, पहले थोड़ा सा बीमार था बिल्कुल सही हो गया, कहीं से देख लो कहीं भी टेढ़ा नज़र नहीं आएगा। एंड ये बड़ी अच्छी बात है कि चलो एलॉय व्हील अगर बेंड होता है तो उसका सोल्यूशन है अपने पास, चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि चलो भैया चेंज करा लूँगा। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, कि मतलब मैं सड़क पे हूँ तो थोड़ा अगल बगल से शोर शराबा होगा, इग्नोर करना। तो ये अब बिल्कुल सही हो चुका है, अब इसको फिट करते हैं। तो फिलहाल अब जाके फ्री हुआ हूँ, 8:30 बज चुका है और आया था मैं लगभग वही 3:30-4 बजे के आसपास, लेकिन चलो पूरा काम हो गया आज यहाँ पे। अब दूसरे दिन का चक्कर नहीं है मेरे पास, बड़ी दिक्कत थी, एक तो टैंक में प्रॉब्लम था और फ्रंट सॉकर में, टायर वायर सब चेंज करा लिया मैं पूरी, एक बार आपको बताऊँगा कि पूरा खर्च कितना आया। बाकी बाइक चलाने में वाह क्या बात है,
ये फ्यूल चाहिए था मुझे, जो शॉकर में था ना आगे वाले में प्रॉब्लम, जिसके कारण यार गाड़ी चलाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, और जब भी ब्रेक लो ना तो आगे खटखट की आवाज़ आती थी। मैंने सोचा कि हैंडल का कौन सेट आता है वो ख़राब है, लेकिन भाई बहुत बढ़िया था मतलब है भाई बहुत बढ़िया है। एंड बताया उसने कि यार कौन सेट की प्रॉब्लम नहीं है, वो हैंडल ज़्यादा टाइट था इस वजह से ऐसा हो रहा था। एंड फ्रंट का जो शॉकर था उसमें भी प्रॉब्लम थी, एक्चुअली शॉकर ऑयल था पूरा शॉर्ट हो चुका था, जिसके कारण शॉकर सही से काम नहीं कर रहा था, जिस कारण से इतनी सारी दिक्कतें आ रही थी। तो अब जो है सब प्रॉब्लम हो चुका है दूर, एंड फाइनली बाइक इज रेडी टू गो। तो फ्रेंड्स ये डे टू है, सेम डे मैं एक्चुअली काफी थक गया था, वीडियो एंडिंग जो है ये सेकेंड डे में हो रहा है। बताया था कि 8:30 बज गए थे कल हमें सर्विस सेंटर से निकलते निकलते ही, जो मैंने काम करवाया था वहां पे। तो आज मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, एंड टोटल जो खर्चा है मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है एंड मैं आपको इसमें दिखाऊँ। 2150 रुपये का तो टायर आया, इसके अलावा 905 रुपये का पार्ट्स आया, एंड 700 रुपये लेबर। तो कुल मिला के यही खर्चा आया, आप जोड़ सकते हैं कि कितना टोटल खर्चा आया। कुछ खास नहीं लगा क्योंकि जो मैकेनिक था मेरा जानकार था एंड काफ़ी हेल्पिंग नेचर का बंदा था, तो उसने कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करी, और उसने मेरा अलॉय व्हील भी सही करवा दिया, उसका भी कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लिया ज़्यादा। मतलब आप समझ सकते हो कि इतना सारा काम करने के बाद उसने बस मुझे 700 रुपये चार्ज किए, जिसमें क्या किया उसने शॉकर ऑयल चेंज किया, टैंक उतार करके उस पर काम किया, पूरी सर्विस करी, और अलॉय व्हील जो सबसे बड़ा दिक्कत था मेरे सिर का दर्द था कि अलॉय व्हील बेंट था, उसको भी सही करा दिया। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ज़्यादा खर्चा था, फिर भी यही था मेरा टोटल खर्चा। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वंस अगेन फ्रेंड्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू से जय हिंद।